कल की क्लास में हम लोग ने देखा था, ठीक है, एक्स पॉइंट टू वन कनेक्टर, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे मोडेम, ठीक है। आज से हम लोग पूरे मोडेम की कहानी चालू करेंगे। मोडेम क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के मोडेम होते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो मोडेम उसका फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मोडेम जनरली यूज़ किया जाता है किसी भी एक कंप्यूटर नेटवर्क से डेटा ट्रांसफ़र अगर हम लोग को करना है दूसरे नेटवर्क में, ठीक है, जिसमें हम लोग मीडियम यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइंस का, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे हम लोग, टेलीफोन लाइंस का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम लोग को मोडेम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो हम लोग टेलीफोन से क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है, तो बिना मोडेम के कोई भी टेलीफोन कॉल पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि टेलीफोन कॉल जो होता है वो वॉइस कॉल होता है, मतलब एक प्रकार का एनालॉग सिग्नल में वो कॉलिंग की जाती है, ठीक है। जैसे मान लो 3G टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे या फिर 2G टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते थे, तो उस केस पे क्या होता था कि वहाँ पे एनालॉग सिग्नल पे पूरा का पूरा काम होता है, ठीक है। तो उस एनालॉग सिग्नल के थ्रू ही जो भी वॉइस है हमारी उसको सेंड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास वो लैंडलाइन अगर फ़ोन होगा घर पे, ठीक है, तो उसमें एक वायर लगा होगा, ठीक है, तो उस वायर में क्या फ्लो होगा, करंट ही फ्लो होगा, ठीक है, तो वो एक प्रकार का एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। तो उस एनालॉग सिग्नल के थ्रू ही हम लोग उस डेटा को भेज सकते हैं जो हमारा वॉइस डेटा है, ठीक है। तो हम लोग को वहाँ से अगर वो वॉइस को हम लोग को सुनना है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करना पड़ेगा, या तो कोई ऐसे सिस्टम पे उसको चेंज करना पड़ेगा जिससे हम लोग को वॉइस सुनाई दे, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो उसी लिए यहाँ पे मोडेम यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मोडेम आर यूज फॉर डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क इनटू अनदर कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू टेलीफोन लाइंस। द कंप्यूटर नेटवर्क वर्क्स इन डिजिटल मोड वाइल एनालॉग टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर कैरिंग मैसेजेस अक्रॉस द फोन लाइंस, ठीक है। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो डिजिटल मोड पे काम करता है, क्लियर। टेलीफोन सॉरी कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो डिजिटल मोड पे काम करता है, लेकिन जो हमारी टेलीफोन लाइंस जो होती है वो क्या होती है, वो एनालॉग मोड पे काम करती है, एनालॉग टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ठीक है। मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग मोड। मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग चेंज करता है, क्लियर है। एट द ट्रांसमिटिंग एंड एंड डी मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स द सेम एंड सेम फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एट रिसीविंग एंड, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे अगर मान के चलो हम लोग क्या किए हैं, ये हमारा टेलीफोन है, ठीक है, ये टेलीफोन है, यहाँ से हम लोग कॉल किए, ठीक है, यहाँ से कॉल किए सेकंड पर्सन को, ये हमारा सेकंड पर्सन है, ठीक है, टेलीफोन कॉल, ठीक है। यहाँ से वायर जुड़ा हुआ है, वो वहाँ कहीं सेंट्रल सर्वर होगा, वहाँ से पास होते हुए अगले पर्सन के पास जाएगा, ठीक है। हम लोग ने यहाँ से डायल किया और यहाँ पे कॉल लगा, ठीक है। जैसे हम लोग डायल किए तो हम लोग का जो भी वो डब्बा होगा, जो लैंडलाइन फोन्स होता है, या फिर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल सी बात है कंप्यूटर नेटवर्क से ही मान के चलो कॉल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये डिजिटल मोड पे काम करता है, कंप्यूटर जो है डिजिटल मोड पे काम करता है, लेकिन ये वायर को तो करंट चाहिए, वायर को क्या क्या चाहिए, करंट चाहिए, ठीक है। इसका मतलब उसमें एनालॉग सिग्नल ही ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग का कंप्यूटर क्या करेगा, डिजिटल टू चेंज कर देगा एनालॉग, ठीक है। एनालॉग सिग्नल इस पूरे लाइन पे ट्रैवल होगा, ठीक है। अब वापस से उस वॉइस को जो हम लोग भेजे हैं वो सुनना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एनालॉग से किस में चेंज कर देंगे, डिजिटल में चेंज कर देंगे, ठीक है।
डिजिटल सिग्नल जो है इसमें ट्रैवल होगा और ये उसको हम लोग जो भेजे हैं वॉइस नोट वो रिसीवर को सुना के दे देगा। ठीक है, तो मोडेम का काम यही होता है, डिजिटल टू एनालॉग चेंज करना और एनालॉग टू डिजिटल चेंज करना। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग चेंज होता है इसका मतलब उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल होता है इसका मतलब होता है इसका डीमॉड्यूलेटर, क्या बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मोडेम। क्या रखा गया है, मोडेम। ठीक है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। पेन कहाँ गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर, ये डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, दोनों को मिलके क्या बना है, मॉडेम बना है। ठीक है, मॉड्यूलेटर मतलब डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है, डीमॉड्यूलेटर मतलब एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, ये होगा ट्रांसमीटर के लिए, ये होगा रिसीवर के लिए। ठीक है, दोनों ही एंड पे मॉडेम लगा होगा तभी वो कम्युनिकेशन कर पाएगा, अगर मॉडेम एक जगह भी नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जितने भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, जितने भी टेलीफोन होते हैं, जितने रूटर होते हैं, जितने स्विच होते हैं, सब में मॉडेम लगा होता है। ठीक है, जितने भी आज के ज़माने के मॉडेम आते हैं, ठीक है, वो हर एक डिवाइस पे पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिलता है हम लोग को। अगर हम लोग कंप्यूटर में NIC की बात करें, ठीक है, या फिर हम लोग क्या करें, रूटर की बात करें, ठीक है, ठीक है, क्लियर, मुद्दा समझ में आया कि क्या करता है मोडेम। ठीक है, ओके, वापस आते हैं हम लोग अपने इसमें। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क इनटू डिजिटल सिग्नल ऑफ अनदर कंप्यूटर नेटवर्क सो दे कैन बी प्रोसेस्ड बाय रिसीवर कंप्यूटर रिफर्ड टू एज डिजिटाइजिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोसेस को डिजिटाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आज के ज़माने की बात करें, आज के ज़माने में हम लोग 4G टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दिसंबर के बाद क्या आ जाएगा, 5G आ जाएगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, पूरा एनालॉग वाला सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। जो वायरलेस पे यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, वायरलेस पे 5G नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो सिग्नल भी ट्रांसमिट होगा वो भी डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट होगा। ठीक है, मतलब इस टाइप का एक बैंड बनाया जा रहा है जिससे हम लोग को स्ट्रेंथ जो रहेगी उस डेटा की बहुत अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि वो ज़्यादा दूर जाता है तो वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, उसमें अटेन्यूएशन आता है, इसका मतलब क्या होगा, वो सिग्नल वीक होता है। ठीक है, लेकिन डिजिटल सिग्नल में क्या होगा, डिजिटल सिग्नल उस बैंडविड्थ को कॉपी करके रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग को स्ट्रेंथ जो है 100% वहाँ मिलेगी। ठीक है, जो यहाँ पे बोलते हैं हम लोग VOLTE, सुने हो, सबके मोबाइल में दिखता है एक छोटा सा। ठीक है, ये क्या काम करता है, क्या करता है, ये पता होगा ना, दो तीन बार तो बता चुका हूँ मैं। हाँ, वॉइस ओवर LTE तो है ही, करता क्या है ये। अच्छा, ठीक है, वो सब ठीक है। अगर मान लो कि अपने मोबाइल में सेटिंग में जाता हूँ, वहाँ से वोल्टी का ऑप्शन बंद कर देता हूँ, तब क्या होगा।
हटा देता हूँ ऑप्शन। क्या बात कर रहे हो यार, 4 साल हो गया 4G यूज़ कर रहे हो फिर भी। योगेश ऐसा कैसे जमेगा, ऐसा थोड़ी होता है। और कोई बताएगा, रसप्रीत। क्या होता है VOLTE में, क्यों रहता है मोबाइल में, ये देखते हो ना ऊपर सिंबल दिखते रहता है, क्या होता है उससे, कभी नहीं सोचे हो। हमको तो मतलब ही नहीं है कुछ भी दिखाया वहाँ पे, ठीक है। हमको व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, बस वो चलना चाहिए, सेल्फी वेल्फी आ जानी चाहिए बराबर से मोबाइल में। उसका मोबाइल कैसे करता है, क्यों करता है, हमको मतलब नहीं है ना। हाँ बहुत बढ़िया, दीपांशी के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग को देखो, 2G और 3G टेक्नोलॉजी में क्या होता था, जो वॉइस होती थी वो भी एनालॉग सिग्नल से जाती थी, इसीलिए उसका डेट मतलब जो कॉस्ट होता था बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि उसको दो जगह से मॉड्यूलेट करना होता था, ठीक है, हम लोग के फ़ोन से भी, ठीक है, और साथ में जो सर्वर से जुड़ा हो वहाँ पे भी मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर लगा होता है, ठीक है, तो वहाँ से भी उसको डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल वहाँ चेंज करना होता था, तो वहाँ पूरा का पूरा मोडेम का कॉस्ट होता था वहाँ पे, जो वो हम लोग लेते थे ना 1 रुपये पर मिनट, फिर 1 पैसा पर सेकंड आ गया, बात वही रहती थी लेकिन मतलब वही हो गया, 60 पैसा पर मिनट, इस टाइप के कॉलिंग चार्जेस होते थे, ठीक है। आजकल सब फ्री हो गया है, क्यों हो गया कभी सोचे हो, क्योंकि हम लोग को हर बार जब भी हम लोग रिचार्ज करते हैं तो हम लोग को डेटा पैक मिलता ही है, वही डेटा पैक से ही हमारा कॉलिंग चार्जेस काटे जाते हैं। अगर मान के चलो एक दिन में कोई ब्राउजिंग वाउजिंग कुछ मत करो, ठीक है, 1 घंटा बात करके देख लेना फ़ोन पे, ठीक है, नहीं, मैं 100 MB कम हो जाएगा उसमें से, ठीक है। अच्छा वो सब छोड़ो, जियो फ़ोन आता है एक छोटा सा, देखे हो जियो फ़ोन, है ना, बहुत सारे लोग देखे होंगे, ठीक है। तो जियो फ़ोन में तो नेट चलता है लेकिन चलाते नहीं है उसमें, ठीक है, डेटा बंद करके रखे रहो उसमें, ठीक है, तो भी वो वोल्टी काम करता है, ठीक है, उसमें वोल्टी रहता है, ठीक है, तो भी अगर उससे कॉल करोगे फिर उसके बाद डेटा बैलेंस चेक करके देखना, 10 MB 15 MB कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपनी वॉइस जो है वो LTE के थ्रू जाता है, ठीक है, मतलब जो हम लोग उससे कॉल करते हैं वो LTE नेटवर्क के थ्रू जाएगा और वो डेटा के फॉर्म पे जाता है, डेटा मीन्स डिजिटल फॉर्म पे जाता है वो, इसीलिए हम लोग को वहाँ पे HD कॉलिंग मिलती है। क्या मिलती है, HD कॉलिंग, हाई डेफिनेशन कॉलिंग हम लोग को मिल जाती है, जो वॉइस आती है पहले से बहुत अच्छी क्लियर आती है, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होता है उसमें, ये चीज़ नोटिस किए होंगे, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं आता है उसमें, ठीक है। जैसे कभी कोई क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, ठीक है, पहले के होता था किसी को कॉल लगाओ किसी और को लग जाता था, ठीक है, या फिर वॉइस में बहुत डिस्टर्बेंस आती थी, रोबोट टाइप की आवाज़ आती थी, लेकिन इस जो यहाँ पे 4G एरा जब से आया है, मतलब 4G टेक्नोलॉजी जब से आई है, तब से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। जो वॉइस चार्जेस जो होते थे, जो मोडेम के हैंडल करने के चार्जेस होते थे, जो सिग्नल के हैंडल करने के चार्जेस होते थे, वो ख़त्म कर दिए यहाँ पे, इसीलिए हम लोग को क्या दे दिया है, डेटा भी बहुत सस्ते में मिल रहा है और वॉइस भी हम लोग को अनलिमिटेड मिल जा रही है, क्लियर। तो मोडेम जो होता है वो जनरली बहुत एक पुराना डिवाइस है मान के चलो, ठीक है, आजकल वही चीज़ है, वो क्या हो गया, बहुत छोटे फॉर्म में हो गया, और जितने भी डिवाइसेस आते हैं, न्यू डिवाइसेस जो आते हैं, सब में पहले से लगा होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है वो, मतलब इतना जल्दी वो सिग्नल को चेंज करता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता, मतलब नैनो सेकंड भी नहीं लगता उसमें, इतना ज़्यादा वो फास्ट चेंज करता है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। वहीं अगर बहुत पुराने मोबाइल की हम लोग बात करें, जब नोकिया के फ़ोन आते थे ब्लैक एंड व्हाइट वाले, ठीक है, तो उस समय पूरा का पूरा एनालॉग पे ही काम करता था वो, और मोबाइल पे जैसे ही आता था वो सिग्नल को चेंज करता था वो डिजिटल सिग्नल में, और हम लोग को वहाँ से स्पीकर से वॉइस सुनाई देता था, ठीक है।
वो फ़ोन में अगर मान के चलो 15-20 मिनट भी अगर बात कर लो, ठीक है, तो 15-20 रुपए वैसे ही कट जाना है, और मोबाइल भी गर्म हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? ठीक है, मोबाइल एकदम भट्टी जैसे तपेगा और गर्म हो जाता था एकदम, ठीक है, और कान भी पूरा गर्म हो जाता था फ़ोन में बात करके, क्योंकि पहले थोड़ी ज़माने में हेडफोन ब्लूटूथ ये सब लगाते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो मोडेम होता था बहुत लो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता था, और वहाँ पे जो उसका रेट ऑफ चेंज मतलब होता था, जो एनालॉग टू डिजिटल चेंज करना है उसको और डिजिटल टू एनालॉग करना है, ठीक है, तो वो बहुत कम होता था, इसीलिए वो गर्म हो जाता था बहुत जल्दी। ठीक है, तो वहाँ पे जो मोडेम लगा होता था, और आज के ज़माने का मोडेम, आज के ज़माने का मोबाइल जो है 1 घंटा भी बात कर लो, 1.5 घंटा 2 घंटा ही बात कर लो, ठीक है, गर्म नहीं होगा मोबाइल, ठीक है, क्योंकि वहाँ चेंज ही नहीं करना है ना कुछ चीज़। वोल्टी में बात करोगे तो मोबाइल गर्म ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि वहाँ मोडेम ही वैसा लगाया गया जो डिजिटल टू डिजिटल ही चेंज करके भेज रहा है, क्योंकि सारा चीज़ तो डेटा से ही जा रहा है ना। तो ये आज के ज़माने के मोडेम के फ़ायदे हैं। आया समझ में? ठीक है, तो मोडेम का काम एक ही है, मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आज के डेट का मोडेम और पहले का, ठीक है, ताकि अपने को समझ में आना चाहिए कि क्या अपडेट हुआ है। ठीक है, जब तक ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो पुराने ज़माने की चीज़ क्या करोगे इतना पढ़ के, जब तक आज का पता ही नहीं रहेगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। वेन एन एनालॉग फैसिलिटी इज़ यूज फॉर डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिजिटल डिवाइसेस कॉल्ड डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट मोडेम्स आर यूज एट ईच एंड। ठीक है, देखो इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटर के साथ में मोडेम लगा होता है, ठीक है, टेलीफोन लाइन होती है जिसमें एनालॉग सिग्नल ट्रैवल होता है, ठीक है, और एक मोडेम लगाया जाता है जिसमें डिजिटल सिग्नल ट्रैवल होता है। ठीक है, अगर मोडेम में आप लोग को दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का मोडेम लगा होता था। ठीक है, पहले के अगर ज़माने में अगर देखोगे तो इंटरनेट कैफ़े वगैरह में इस टाइप का मोडेम लगा होता था। ठीक है, पहले घर घर तो हम लोग यूज़ नहीं करते थे, ठीक है, इस टाइप का मोडेम होता था। मोडेम अगर ओल्ड हम लोग दिखाएं, ठीक है, ऐसे टाइप का मोडेम होता था, देखो इस टाइप का मोडेम, और जनरली ऐसे टाइप का गंदा सा मोडेम रखा होता था। ठीक है, पुराने ज़माने की अगर बात करें, आजकल के जो मोडेम आते हैं बहुत अच्छे आते हैं और मेनली सभी में लगे रहता है। ठीक है, जो वाईफाई डिवाइसेस वगैरह होती है सब में वो लगे रहता है। ठीक है, जितने भी रूटर स्विचेस वगैरह थे सब में पहले से लगे होता है। ठीक है, तो हम लोग का अलग से मोडेम लो, हाँ हाँ पहले अलग लेना पड़ता, मोडेम पहले लेना पड़ता था, अगर हम लोग को कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना है तो टेलीफोन लाइन से ही मिलता था। ठीक है, तो पहले मोडेम में लगाओ, मोडेम को फिर रूटर में लगाओ, फिर रूटर को जो है वो कंप्यूटर में लगाओ, ऐसा करना पड़ता था। आजकल का जो डिवाइस जो हो गई इतनी स्मार्ट हो गई, सब चीज़ पहले से दे देता है उसमें। ठीक है, जब से चाइना वाला सामान आने लग गया है, ठीक है, तब से टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती चली गई है। ठीक है, सब चीज़ पहले से दे दी है। ठीक है, पहले ये सब डिवाइसेस वगैरह बड़े बड़े होते थे। ठीक है, ये देखो इस टाइप का डिवाइसेस होता था, ये एक्चुअल मोडेम अगर हम लोग पहले ज़माने की बात करें तो इस टाइप का मोडेम होता था। ठीक है, उसको फिर रूटर में कनेक्ट करते थे, इस टाइप का मतलब थोड़ा तामझाम करते थे, तब कहीं जाके नेट चला पाते थे। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, एक तो रूटर खरीद के लेगा 700-800 रुपये का मिलता है, और धनाधन नेट चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई है। ठीक है, तो पहले मोडेम लगाना पड़ता था, आजकल पहले से लगाओ मिलता है। ठीक है, जब हम लोग कंप्यूटर में भी NIC जो लगाते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके अंदर पहले से मिलता है हम लोग को। ठीक है, नहीं तो पहले लगाना पड़ता था अलग से। क्लियर?
द मोडेम एट द ट्रांसमिटिंग एंड कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल जनरेटेड बाई डी टी इंटू एन एनालॉग सिग्नल बाई मॉडुलेटिंग कैरियर. दिस मोडेम एट रिसीविंग एंड डी मॉडुलेट्स द कैरियर एंड हैंड ओवर द डी मॉडुलेटेड सिग्नल टू डी टी. ठीक है, ये हमारा डी टी है. डी टी क्या जनरेट करेगा? डिजिटल सिग्नल जनरेट करेगा. मोडेम क्या करेगा? उसको डिजिटल इनपुट लिया और यहाँ से आउटपुट में क्या देगा? एनालॉग सिग्नल देगा. ठीक है, एनालॉग सिग्नल टेलीफोन लाइन में ट्रेवल होगा. मोडेम क्या करेगा? एनालॉग इनपुट मिलेगा, आउटपुट में क्या देगा? वो डिजिटल सिग्नल देगा जो हमारे डीटी में जुड़ा होगा. ठीक है, जो हमारा डिजिटल टर्मिनल इक्विपमेंट है, जो हमारा कंप्यूटर है. ठीक है, क्लियर? वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, थोड़ा डीटी डीसी के टर्म्स में दिया हुआ है, बात वही है. ठीक है, अब देखो ये भी डायग्राम देख लो. टू डी टी, ठीक है, डिजिटल इंटरफेस लगा हुआ है. डिजिटल इंटरफेस मतलब जो हमारा मोडेम है, ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है उसका. ठीक है, डिजिटल इंटरफेस से कनेक्ट होगा, उसमें लगा होगा ट्रांसमीटर रिसीवर. ठीक है, ट्रांसमीटर के साथ में फिट होगा मॉड्यूलेटर. ठीक है, रिसीवर के साथ में होगा डी मॉड्यूलेटर. ठीक है, हम लोग को अगर ट्रांसमिट करना है तो डिजिटल इंटरफेस के साथ क्या करेगा? मॉड्यूलेटर के पास जाएगा, फिर लाइन इंटरफेस से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, अगर हम लोग को रिसीव करना है तो यहाँ से आएगा, लाइन इंटरफेस के पास आएगा, रिसीवर रिसीव करेगा, डी मॉड्यूलेट करेगा, डिजिटल इंटरफेस से हम लोग को डी टी में मिल जाएगा. ठीक है, तो इस प्रकार से मोडेम काम करता है. ठीक है, क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्योंकि है ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, लेकिन डिटेल में जाना तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, क्लियर? देखो आगे, द ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन टू मोडेम्स कैन बी डेडिकेटेड सर्किट और ए स्विच टेलीफोन सर्किट. ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्किट लगी होती है वो स्विचिंग सर्किट होती है. ठीक है, कैसी सर्किट होती है? स्विचिंग सर्किट होती है. यहाँ पे दो डिवाइसेस है, डिजिटल इंटरफेस और लाइन इंटरफेस. ठीक है, डिजिटल इंटरफेस जो होता है डीटी से कनेक्ट होता है. डीटी मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट होता है. यहाँ से डिजिटल इंटरफेस होता है, यहाँ पे स्विच किया जाता है जो सिग्नल है, ये दो एंड पे स्विच किया जाता है. डिजिटल इंटरफेस, अगर मान के चलो हम लोग कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम लोग सिग्नल को भेज रहे हैं कहीं पे, ठीक है, या फिर कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? मॉड्यूलेट करेगा, यहाँ से स्विच कर देगा. दो रास्ते हैं यहाँ पे. ठीक है, दो रास्ते हैं यहाँ पे, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है. ठीक है, सर्किट स्विचिंग का मतलब यही होता है कि यहाँ से जो सर्किट बना हुआ है उसको स्विच करेगा, या तो इस फ्लो पे या तो इस फ्लो पे. ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वो इस पाथ पे जाएगा, लाइन कॉन्फिगरेशन पे जाएगा, और इट्स ट्रांसमिशन मीडियम से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, ये हुआ मॉड्यूलेशन. ठीक है, जो डेटा हम लोग रिसीव कर रहे हैं, रिसीव इस टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट से आएगा, लाइन इंटरफेस के पास आएगा. ये भी क्या है? स्विचिंग सर्किट है. ये भी क्या है? स्विचिंग सर्किट है. इस स्विचिंग सर्किट से वो क्या करेगा? डाइवर्ट करेगा लाइन को. वो कहाँ पे भेजेगा? डी मॉड्यूलेटर के पास भेजेगा. डी मॉड्यूलेटर जो है वो एनालॉग सिग्नल से चेंज कर देगा डिजिटल में, और डिजिटल के थ्रू वो सीधा कहाँ पहुँच जाएगा? डी टी ई में पहुँच जाएगा. क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको स्विच सर्किट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्विच्ड सर्किट बोलते हैं. क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इफ ए स्विच टेलीफोन सर्किट इज यूज, देन द मोडेम्स आर कनेक्टेड टू द लोकल टेलीफोन एक्सचेंजेस. वेन एवर द डेटा ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड, कनेक्शन बिटवीन मोडेम्स इज एस्टैब्लिश थ्रू फोन एक्सचेंजेस. ठीक है, टेलीफोन एक्सचेंज. ठीक है, जो टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं वहाँ से कनेक्शन किया जाता है, और सारा चीज़ जो है टेलीफोन एक्सचेंज से ही होता है. जो हमारा लोकल है, जैसे BSNL, एयरटेल, ठीक है, और जियो. जियो तो देता नहीं है लैंडलाइन, ठीक है, यही दो देते हैं, और इन्हीं लोग का ही सबसे ज़्यादा चलता है. वहाँ से ही सारा चीज़ रेगुलेट होता है.
मीन्स यहाँ से हम लोग कोई भी डेटा भेजेंगे तो पहले उनके सर्वर पे जाएगा, वहाँ से वापस से फिर चेंज होके फिर से जाता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी मोडेम की। ठीक है, और हम लोग इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, मोडेम काम कैसे करता है और टाइप्स ऑफ मोडेम क्या क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोडेम। ठीक है, तो यहाँ पे मोडेम जो होते हैं तीन चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है मोडेम उसके बेसिक फीचर्स। ठीक है, मोडेम्स कैन बी सेवरल टाइप्स एंड दे कैन बी कैटेगराइज इन अ नंबर ऑफ वेज। कैटेगराइजेशन इज यूजुअली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिक मोडेम फीचर्स। ठीक है, अब सबसे पहला है डायरेक्शनल कैपेसिटी। सबसे पहले क्या है? डायरेक्शनल कैपेसिटी। ठीक है, उसमें आता है हाफ ड्यूप्लेक्स मोडेम, फुल ड्यूप्लेक्स मोडेम। ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स मोडेम। ठीक है, सेकंड है कनेक्शन टू लाइन। ठीक है, इसमें टू वायर मोडेम आता है और एक फोर वायर मोडेम आता है। ठीक है, थर्ड कैटेगराइज किया गया ट्रांसमिशन मोड से, एसिंक्रोनस मोडेम और सिंक्रोनस मोडेम। मतलब मान के चलो कि हम लोग छह टाइप के मोडेम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है, टू वायर, फोर वायर, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। क्लियर? ठीक है, तो सिक्स टाइप के मॉडेम्स होते हैं। अगर कोई पूछता है कहीं पे भी, अगर क्वेश्चन आता है तो बता पाओगे कि सिक्स टाइप के मॉडेम्स होते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला आते हैं डायरेक्शनल कैपेसिटी में, उसमें आते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स में। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स। ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स मोडेम परमिट्स ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, ड्यूप्लेक्स मतलब होता है कि हम लोग एट ए टाइम सिग्नल भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्स। मतलब एक ही कनेक्शन दोनों काम कर रहा है, उस कनेक्शन से दोनों डायरेक्शन पे ही करंट पास हो रहा है। ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन पे करंट पास हो रहा है। क्लियर? ठीक है, उसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्स। लेकिन हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होगा? जो वहां पे ट्रांसमिशन होगा वो एक ही डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिशन जो होगा वो एक ही डायरेक्शन पे होगा। या तो हम लोग सिग्नल भेज सकते हैं या तो हम लोग रिसीव कर सकते हैं, जैसा कि वॉकी टॉकी होता है। वॉकी टॉकी जानते हो? ठीक है, आर्मी वाले पुलिस वाले रखे रहते हैं ना, टंगा के रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसमें एक बटन होता है, स्विच होता है। ठीक है, उस स्विच को दबाओ, ठीक है, और बोलना चालू कर दो, वो सिग्नल ट्रांसमिट करना चालू कर देता है। ठीक है, अगर हम लोग को रिसीव करना है तो वैसे ही वो रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है, तो वो हाफ ड्यूप्लेक्स पे काम करता है। जब हम लोग सिग्नल मतलब वो बटन दबा के रखेंगे तो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और अगला सिर्फ और सिर्फ सुनेगा। ठीक है, मतलब उस रेडियो फ्रिक्वेंसी पे जितने लोग अपने वॉकी टॉकी को सेट करके रखे सभी को वो सुनाई देगा। आया समझ में? हम लोग बोलते हैं ना ऐसे, बोलते हैं फिर ओवर बोलते हैं लास्ट में, ओवर एंड आउट ऐसा। ठीक है, ओवर, तो ओवर से मतलब ये समझ में आता है कि मेरा बोलना ख़त्म हो गया, अब अगला बोलेगा। ठीक है, उसका भी बोलना ख़त्म हो, लास्ट में ओवर बोल देगा, तो वो भी वैसा। ठीक है, तो वो हाफ ड्यूप्लेक्स में काम करता है, तो उसके अंदर जो मोडेम भी लगा होता है वो भी हाफ ड्यूप्लेक्स मोडेम होता है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है हाफ ड्यूप्लेक्स मोडेम का। ठीक है, जो जो वॉकी टॉकी होते हैं, जो बहुत पहले के भी फोन्स आते थे वहाँ पे भी हाफ ड्यूप्लेक्स का ही यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे सिंगल वायर का यूज़ किया जाता था। बहुत पहले के अगर देखोगे ऐसे चक्री टाइप का डायलर रहता था उसका। ठीक है, बहुत बहुत पुरानी बात है, मतलब 1800 सदी की होगी। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, हाफ ड्यूप्लेक्स पे काम किया जाता था। मतलब एट ए टाइम हम लोग डेटा सेंड नहीं कर सकते और रिसीव नहीं कर सकते, मतलब एक बार में एक ही डायरेक्शन पे ही सिग्नल जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ़ ए कैरियर इज डिटेक्टेड बाई लाइन
सॉरी ऑन द लाइन बाय द मोडेम आई गिव्स एन एडिक्शन सॉरी इंडिकेशन ऑफ द इनकमिंग कैरियर टू डी टी थ्रू ए कंट्रोल सिग्नल ऑफ द डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, अगर कोई भी कैरियर जो है, ठीक है, किसी लाइन पे सिग्नल डिटेक्ट करता है, ठीक है, जो भी इनकमिंग कैरियर है, ठीक है, तो वो डिजिटल इंटरफेस के थ्रू उस डी टी के एंटर करेगा। मतलब मान के चलो जो हम लोग डायग्राम देखे ना अभी ये वाला, ठीक है, तो अगर हम लोग को कोई ट्रांसमिट करना है डेटा, ठीक है, अगर हाफ ड्यूप्लेक्स में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डी टी से डिजिटल इंटरफेस टू वो क्या करेगा, मॉड्यूलेटर होते हुए इस टाइप से ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, एट ए टाइम सिंगल। ठीक है, अगर रिसीव करना है तो वो डी मॉड्यूलेटर होते हुए डिजिटल इंटरफेस उसके बाद डी टी में ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, या फिर रिसीव करेगा। क्लियर? ठीक है, बस वो वाला डायग्राम याद रखना, उसी डायग्राम से काम करता है पूरा, हाफ डुप्लेक्स हो फुल डुप्लेक्स हो सब चीज़। ठीक है, यहाँ पे उसी चीज़ को कैरियर बोल रहे हैं, ठीक है, जो कैरियर है वो चीज़। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मोडेम का दिया हुआ है, ए जो है हाफ डुप्लेक्स है, ये फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग रिक्वेस्ट टू सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मान के चलो हम लोग के पास कोई भी इनकमिंग कैरियर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, या तो डेटा होगा या कोई इंडिकेशन देगा उसका। ठीक है, तो डेटा वाले में चले जाएगा और यहाँ पे एक इनकमिंग कैरियर इंडिकेशन होगा। ठीक है, तो मोडेम के पास दो तीन पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, एक रिक्वेस्ट टू सेंड होगा, फिर उसका स्टेटस होता है, ठीक है, एक कैरियर इंडिकेशन होगा, डेटा होगा। ठीक है, तो इस टाइप के दो तीन पोर्ट्स में वो काम करता है। ठीक है, क्लियर? अब फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, यहाँ पे देखो दो होगा, आउटगोइंग कैरियर और इनकमिंग कैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, इनकमिंग कैरियर इंडिकेशन देगा, वो जो भी आएगा इंडिकेशन देगा और साथ में डेटा भी देगा। ठीक है, आउटगोइंग में क्या होगा, रिक्वेस्ट टू सेंड, यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, यस होगा तो वो डेटा ट्रेवल करेगा। ठीक है, यहाँ पे इनकमिंग आ रहा है, यहाँ पे आउटगोइंग में नो है। ठीक है, अगर यस हो जाएगा तो वो क्या होगा, सेंड कर सकता है डेटा। क्लियर? मतलब एट ए टाइम अगर हाफ ड्यूप्लेक्स में अगर हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेंड का और वहाँ से कोई इनकमिंग सिग्नल आ रहा है पहले से, तो यहाँ पे सिग्नल नो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? वहीं अगर हम लोग फुल ड्यूप्लेक्स की बात करें तो रिक्वेस्ट टू सेंड करेगा, वो स्टेटस यस देगा अपना और यहाँ से डेटा सेंड कर सकते हैं, और इनकमिंग कैरियर से जो सिग्नल आ रहा है वो इंडिकेशन देगा और डेटा रिसीव करते जाएगा, दोनों काम एक साथ कर रहा है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स में क्या है, ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स मोडेम अलाउ साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, देयरफॉर देयर आर टू कैरियर्स ऑन द लाइन, वन आउटगोइंग एंड द अदर इनकमिंग, वायर एंड फोर वायर मोडेम्स। क्लियर, आया समझ में, फुल ड्यूप्लेक्स और हाफ ड्यूप्लेक्स? हेलो, आवाज आ रही क्या? Yes, sir. आया समझ में? समझ,